नमस्कार दोस्तों, रंजीत तंजोराट में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज मेरे मित्र आए हैं हिमांशु जोशी। नमस्ते दोस्तों। और बहुत दिनों में, काफी टाइम हो गया ना, बस साल ऑलमोस्ट सर हमको एक साल हो गए लास्ट मिले थे जब। तो इन्होंने मेरे वीडियो देखे और काफी प्रभावित हुए कि एक संपूर्ण रामायण की हमारी पेंटिंग चल रही है। तो वो देख अपने आप को रोक नहीं पाए, वीडियो तो देखा है पर मैं लाइव देखूँगा। और इनका काफ़ी मुझे गाइडेंस मिलता है क्योंकि इनका आईटी सेक्टर में है ना। हाँ जी। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम होती है तो गाइड करते हैं। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि मतलब सर मुझे बताते रहते हैं कि फ़ोन पे की ये पेंटिंग बन रही है, वीडियो भी शेयर करते हैं, तो मैं इतना सरप्राइज हूँ। मतलब कि मैंने अभी पेंटिंग देख रहा हूँ मैं, और इतनी सुंदर पेंटिंग है। अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है इसके अंदर, पर इतनी सुंदर पेंटिंग है बता नहीं सकता आपको, डिटेलिंग इतनी है कि मैं बता नहीं सकता। और अच्छा, ये जो पेंटिंग है ये समझ लो कि मेरे को हनुमान जी की प्रेरणा हुई। हाँ जी। मुझे संपूर्ण रामायण 108 बनाने हैं। पहले मुझे वो फिगर नहीं मिल रहा था कि कितनी पेंटिंग में संपूर्ण रामायण बनाऊं। तो 108 जैसे कि माला होती है। हाँ जी। जो पूजा करते हैं जैसे राम राम ऐसे माला की मन की जो माला होती है। हाँ जी। 108 मन के होते हैं, उससे सिद्धि मिलती है। हाँ जी। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई 108 में ही मैं उसको करूं। और सबसे पहले पेंसिल से स्केच किया है, और उसके बाद में ब्रश से स्केच किया है, फिर कलरिंग का काम और डिटेल वर्क सारा किया है। तो अभी आपको मैं पेंटिंग बिल्कुल सर मैं तो मुझे आप मैं तो चाह रहा हूँ मुझे आप मुझे भी दिखाइए पेंटिंग, और मेरे साथ साथ आप भी जो ऑडियंस है हमारी जो ऑडियंस है वो भी वो उसको भी बताइए, थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए पेंटिंग के बारे में। तो हिमांशु जी, मैं इस पेंटिंग के लिए बोल रहा था, इसी के सारे वीडियो जो आपने देखे, पहले मैंने सबसे पहले स्केच किया था पेंसिल से, फिर उसके बाद एक एक पेंटिंग का वीडियो बनाया, उस पेंटिंग में क्या हो रहा है। ये स्केच पहले पेंसिल से हुआ है, फिर ये ब्रश का स्केच है अभी जो दिख रहा है ना। हाँ जी। ब्रश से करता है। तो सर ये पीछे बेस क्या होता है, जैसे ये कपड़ा होता है, क्या कहते हैं, क्या चीज होती है? ये कॉटन का कपड़ा है। अच्छा। और पीछे एमडीएफटी प्लाई लगी हुई है। अच्छा। क्या तो ये एक एक जैसे पहले मैंने सोचा कि भी 108 मतलब कितनी पेंटिंग बनाऊं, तो 108 पेंटिंग का पहले मुझे कंसेप्ट आया जो मैंने अभी बताया कि माला के हिसाब से बहुत शुभ रहता है अपने सनातन धर्म में। और एक मेरे मन में ये था कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तुम भी एक आर्टिस्ट हो, तुम्हें अपने आर्ट के जरिए भगवान श्री राम की पूरी रामायण में बनाओ, जो उनकी पूरी कहानी थी, उनकी स्टोरी थी, वो 108 में आपने, क्योंकि मेरे ना इष्ट हनुमान जी हैं। हाँ जी। और उन्हीं की प्रेरणा से मिले, उन्हीं के नाम से आपका इंस्टीट्यूट और आपका रंजीत तंजोराट के नाम से सर का काम है। ये क्या है कि मेरे जो गुरुदेव है उन्होंने हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की थी। अच्छा। उसका नाम है रंजीत हनुमान। अच्छा। और मैंने इसलिए रंजीत तंजोराट रखा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा पेंटिंग के बारे में बताता हूँ। हाँ जी सर। कि सबसे पहले तो संतान उत्पत्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं दशरथ जी, उसके बाद में संतान उत्पत्ति हुई, चारों राजकुमार हैं। हाँ जी। फिर ये कागभूषण जी वाला बहुत फेमस अच्छा। प्रसंग है जो कि रोटी लेके चले जाते हैं, साहब जो रामायण जी पढ़ी है उनको सब पता है इस चीज में। हाँ, ये शिक्षा है, शिक्षा लिए उन्होंने। फिर वाल्मीकि जी लेने आ जाते हैं। हाँ जी। ताड़का वध बड़ा फेमस। फिर ये अहिल्या उद्धार। हाँ जी। ये है फिर पुष्प वाटिका में राम सीता का मिलन, बहुत सुंदर लग रहा है सर। जी जी, बहुत ही प्यारा। और ये है जो धनुष तोड़ना। हाँ। फिर परशुराम जी को क्रोध आ जाता है तो वो एकदम आ जाते हैं। हाँ। इसी तरह से ये राम सीता स्वयंवर, दशरथ जी का राजतिलक की घोषणा राम जी के, मंथरा सीतारी जी कैकेयी को कोप भवन में मंथरा, ये कैकेयी, और वन गमन, ये वनवास के लिए जा रहे हैं। इसी तरह से निषाद राज क्या था? हाँ, वो उनके सहपाठी थे। निषाद राज एक भील कबीले में थे। अच्छा। तो ये वो तो नहीं जिसमें नाव से वो क्रॉस? नहीं, वो बता रहा हूँ। तो ये बिल्कुल कहते हैं ना कि उच्च नीच है सनातन धर्म में, ऐसा नहीं है। निषाद राज भील और इस तरह से आदिवासी जाति में थे, फिर भी उन्होंने गले लगाया और उनका आतिथ्य स्वीकार किया। हाँ जी। फिर केवट जी से मिलते हैं। हाँ, केवट जी चतुराई से उनके पांव धोते हैं। हाँ जी। और फिर तब नदी पार कराते हैं।
भरद्वाज ऋषि से मिलना, फिर उसके बाद में ये चित्रकूट में वास करते हैं, लक्ष्मण जी कुटी बनाते हैं, भरत जी का कैकेयी पे क्रोध, फिर अग्नि दाह संस्कार भरत जी ने किया, हाँ जी, राम भरत मिलन, बहुत चरण पादी का लेके जाते हैं भरत जी, फिर अत्रि ऋषि के यहाँ जाते हैं, माता सती अनसुया ने दिव्य वस्त्र प्रदान किए हैं अच्छा सीता जी को, क्योंकि उनको पता था कि आगे सीता माँ के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, और फिर सर्वंग ऋषि और ये विराट राक्षस को मारते हैं, और बहुत सुंदर, फिर ये हड्डियों का ढेर देख के राम जी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं राक्षस विहीन कर दूंगा, ऋषियों को आश्वासन देते हैं जटायु से मिलना, फिर पंचवटी में निवास करते हैं। अच्छा सर, जटायु से मुलाकात पहली हो चुकी होती है? नहीं, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। फिर उसके बाद में शूर्पणखा आती है, प्रणय निवेदन करती है राम जी से, राम जी बोलते हैं मेरा लक्ष्मण जी फ्री है, मेरे साथ तो मेरी वाइफ है, और फिर ये मारने के लिए जाती है सीता माँ को, तो नाक काट देते हैं लक्ष्मण जी, ये उनके खर दूषण दोनों भाई को मारते हैं राम जी, रावण के दरबार में शूर्पणखा, फिर ये मारिच आता है छल से सोने का मृग बन के, और ये मार देते हैं मारिच को, फिर वो आवाज लगाता है कि हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण बचाओ, तो सीता माँ के बहुत ज्यादा उल्हावना देने के कारण वो जाते हैं वहाँ पे, ये जाते हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण रेखा खींच के, फिर रावण आता है वेश बदल के साधु वेश में, और जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा बाहर आते हैं तो रावण हरण करके ले जाता है, और फिर जटायु यहाँ पे जटायु का जो होता है जटायु जी रोकने की कोशिश करते हैं, पंख काट देते हैं, और यहाँ पे फिर दाह संस्कार करते हैं जटायु को, उनके उनसे ही पता चलता है सीता माँ के बारे में। हाँ, और सर ये बड़ा ये कौन सा है, ये कौन से है? ये कबंध कर राक्षस है, तो इंद्र ने वज्र मारा था, इसका सर पूरा धड़ के अंदर चला गया था, और ये बहुत बहुत शक्तिशाली था, फिर इसको इसका वध करते हैं, तभी बताते हैं कि सबरी का पता, ये बताते हैं कि सबरी से मिलो, वो हनुमान जी और सुग्रीव से मिलाएंगे, और ये नवधा भक्ति माता सबरी को दे रहे हैं राम जी, हनुमान जी से प्रथम मिलन, फिर सुग्रीव की और राम जी की दोस्ती अग्नि को साक्षी मान के, और सुग्रीव का संदेश दूर करते हैं, एक बाण से सात ताड़ के वृक्ष को मारना, सुग्रीव वाली का युद्ध, उस टाइम ये पहचान नहीं पाते राम जी इधर खड़े में बाण किसको मारू, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो उनको माला पहनाते हैं सुग्रीव को, तब बाण मार के बाली को मार देते हैं सुग्रीव को राज्याभिषेक, और ये चौमासे में ये वादा भूल जाते हैं, चौमासे में खोज नहीं कर सकते ना, तो फिर ये लक्ष्मण जी गुस्से से जाते हैं, और फिर तारा जो बाली की पत्नी है हनुमान जी उनको बताते हैं कि समझाते हैं कि सब हम खोज कर रहे हैं, और ये सारा खोजबीन की तैयारी करते हैं, योजना बनाते हैं, और ये वन देवी मिलती है, एक बगीचा मिलता है, तो ये वन देवी रख सकती है, तो वो यहाँ पे पहुँचा देती है समुद्र के तट में, तो इस समय तो सर पता था उनको कि अब श्रीलंका में है सीता, भी पता नहीं था। हाँ, बाद नहीं, यहाँ आने की बात पता चला, ये एक बार तो यहाँ पहुँचा देती है। हाँ जी, फिर उसके बाद जटायु का भाई, वो क्यों सारे प्रसंग नहीं बना सकते थे ना, तो डायरेक्ट फिर जटायु के भाई ने बताया, संपत्ति करके था, तो उसने बताया कि लंका में है और समुद्र लांघ के जाना पड़ेगा, तो सब बैठे हुए थे और निराश हो गए थे, तब जामवंत जी बताते हैं हनुमान जी को कि आप तो बहुत बड़े योद्धा हो, आपको शक्ति याद करो अपनी, आप महावीर हो, राम के काज के लिए जन्म लिया है, तो ये पूरा विराट रूप बताते हैं, अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं, इनकी ताकत भी सारी याद आ जाती है, ताकत तो थी पर उनको श्राप था, क्योंकि बचपन में वो क्या करते, ऋषि मुनि को उठा के इधर से करते हैं उधर कर देते हैं, यज्ञ करते हैं तो डिस्टर्ब करते हैं बाल स्वभाव के कारण, तो फिर ऋषि मुनि बोलते हैं कि तुम्हारा जो शक्ति का हास हो रहा है, और इसे श्राप देते हैं कि जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक आपको शक्ति का याद भान नहीं होगा, अभी ये अधूरे हैं, चल रहे हैं काम, पर मैं एक बार बता देता हूँ, ये जाते हैं तो मैनाक पर्वत मिलता है, तो तुम रेस्ट कर लो, तो ये बोलते हैं राम काज के बिना मुझे कहाँ रेस्ट है, ये सुरसा में मिलती है जो कि आपने सुना होगा, अभी डबल मुंह खोलती है फिर अंदर से जाके बाहर आ जाते हैं, तो ये देवता ने भेजी थी, एक ये छाया राक्षस ने, सिंह ही नहीं राक्षस ने थे, तो छाया से पकड़ती है, तो ये छाया भी बना रखी है, और ये पकड़ लिया है इनको छाया से हनुमान जी को। अच्छा हाँ, और फिर जाते हैं लंका में, लंकनी राक्षस ने मिलती है, उसको यमलोक पहुँचाते हैं ये, इस तरह से फिर विभीषण के यहाँ जाते हैं, विभीषण पता देते हैं, तो ये हनुमान जी यहाँ बैठे हुए, रावण आता है डराने के लिए, और सर ये कौन है फिर, ये तो विभीषण हो गए, ये कौन है फिर? ये हनुमान जी रूप चेंज कर गया। अच्छा, वहाँ रूप चेंज किया। हाँ, ब्राह्मण बन के जाते हैं।
अच्छा ये, क्या पता मतलब रावण का भाई है हाँ, तो क्या पता यहाँ पर, तो फिर जब वो पहचान जाता है तो फिर अपना परिचय देता है, ये रावण है सीता माँ को डरा रहा है, और फिर ये मुद्रिका देंगे यहाँ पर हनुमान जी, और विराट सीता माँ को भी शंका हो जाती है कि तुम जैसे वानर क्या राम जी की सहायता करोगे, तो ये बोल रहे थे मैं अकेला काफी हूँ, पूरे लंका को समुद्र में डुबा सकता हूँ, और मुझे आज्ञा नहीं है प्रभु की, ये तो मैं अभी लेके जा सकता हूँ आपको, तो ये है। फिर ये बगीचे रावण के बगीचे में तोड़फोड़ चालू कर देते हैं और कईयों को मारते हैं राक्षसों को, और फिर ये अक्षय कुमार का वध मेघनाद ब्रह्मास्त्र से बांधता है, फिर हनुमान जी को रावण के दरबार में लेके जाते हैं, फिर पूछ में आग लगाते हैं, फिर लंका जला देता है, फिर चूड़ामणि लेके जाते हैं और सीता जी से राम जी को चूड़ामणि देंगे, फिर राम जी को लेके आ जाते हैं समुद्र के किनारे, फिर ये रामेश्वर जी की स्थापना करते हैं। हाँ, विभीषण आ जाता है, वो उत्कार के निकालता है रावण, और ये समुद्र से रास्ता मांगते हैं, 3 दिन तक रास्ता मांगते नहीं देता तो गुस्सा करते हैं, और तब फिर हाथ जोड़ के बताता है कि नल नील नाम की रक्त है तो वो हाथ लगाएंगे तो वो नहीं डूबेगा पत्थर, फिर ये बन जाता है, लंका पहुंच जाते हैं, लंका यहाँ दिख रही, अंगद जाता है और पूरा सिंहासन बराबर का बना के बैठता है, फिर वो पाँव हटाने की चुनौती देते हैं, तो रावण जब आता है तब वो पाँव हटा लेते हैं, फिर उसके मुकुट राम के पास पहुँचा देते हैं, फिर तो कहते हैं कि मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, हाँ पकड़ना तो उनके रावण के हाँ। सॉरी राम के पैर पकड़िए। जी जी जी, तो अब ये युद्ध चालू हो गया, ये सुग्रीव है दुर्मुख करके राक्षस को मारते हैं, तो अभी स्केचेस है मेरे ख्याल से, है ना, वज्र मुष्टि को मारते हैं, संप्रस्त को मारते हैं, यहाँ पर एक वितराग को राम जी मारते हैं, कुंभकर्ण को उठाना, कुंभकर्ण का ये हाथों में ये वानर है, इतना विशाल था वो, ये हनुमान जी लड़ रहे हैं वो भी छोटे नजर आ रहे हैं, फिर राम जी मारते हैं इसको, फिर मेघनाथ इनका युद्ध शक्ति लगती है, और फिर सुसन वेद को घर से ही उठा के लाते हैं, फिर वो बताता है कि भाई हिमालय जाओ, तो कालनमी बीच में आता है उसको मारते हैं, भरत जी बाण मार देते हैं हनुमान जी को, फिर मेघनाथ और इनका युद्ध होता है वापस, तो इनको ज्ञात हो जाता है कि ये भगवान है, क्योंकि त्रिशूल चलाते हैं, सभी शस्त्र चलाते हैं, तो हाथ जोड़ के ये हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तो वापस घूम के और इसके पास आ जाते हैं, तब इसको पता चलता है भगवान है, तो ये रावण को समझाने जाता है, तो रावण और उल्हाने देता है, तो फिर वो चला ही जाता है युद्ध के लिए, और यहाँ पे उसका मेघनाथ का वध, फिर ये शिव जी की पूजा करके युद्ध में जाता है, और एक दिन तो पूरा निकाल लेता है। शिव जी की पूजा कौन करते हैं? ये रावण। अच्छा, और फिर मंदोदरी है, उनकी पत्नी समझाती है कि मत जाओ युद्ध में, पर वो नहीं मानता, घमासान युद्ध होता है, फिर रावण को मार यहाँ पे बाण मार देते हैं, उनकी नाभि में होता है, नाभि में ही मारा है। हाँ, फिर ये मंदोदरी विलाप कर रही है, लक्ष्मण जी और विभीषण जी समझा रहे हैं, और ये विभीषण का राज्य अभिषेक, फिर ये अग्नि परीक्षा हो गई, फिर ये उसमें विमान में जाते हैं, पुष्प विमान में भरद्वाज ऋषि के यहाँ पर, और उसके बाद भरत जी को सूचना देते हैं कि राम जी आ रहे हैं, और ये है जो घर पहुँच गए अयोध्या, और दीपावली का माहौल है, और फिर राज तिलक और राम जी, तो ये सर पी में सेंटर में आपका राज तिलक का स्केच है ना? जी जी, ये हमारा सबसे लास्ट का पेंटिंग रहेगा आपका। जी जी, तो अब इसमें मैंने किसी को देख के नहीं किया, मैंने ये सोच के कि ऐसा हुआ होगा, तो जो मन में ख्याल आया उस हिसाब से स्केच किया, और कहीं हल्का फुल्का कहीं देखा भी होगा तो दिमाग में था कि भाई इस तरह से राम जी दिखते हैं या राक्षस ऐसे दिखते हैं। तो आपने सर सारी कहानियों को बहुत ही अच्छे तरीके से पत्थर से जोड़ा है। जी जी, मतलब मुझे तो मतलब बहुत ही अच्छी लगी सर। तो ये पूरा श्रेणी स्केच है, और ये मतलब कई बार सोचा है इस सब्जेक्ट के बारे में कि लक्ष्मण जी लाइन रेखा खींचने पर कैसे होंगे, मारिस किस तरह से मरेगा, तो हिरण के बाद मारिस नजर आना चाहिए, तो ये सारी चीजें सोच के एक एक स्केच किया है, और स्केच करने में सबसे ज्यादा टाइम लगा। बिल्कुल सर, वो सब स्केच भी एक दो भी थे, 108 स्केच, बहुत 108 बहुत ही एक अच्छा खासा सर नंबर है। और आपको ये जानकारी हो कि वर्ल्ड का पहला पीस है अभी तक
किसी ने मिनिएचर पेंटिंग में, एक्सवाट पेंटिंग में इस तरह से संपूर्ण रामायण नहीं बनाया, तो ये बहुत ही ये मेरे लगभग 50 पेंटिंग फाइनल हो गई है और ये 15 और काफी होने वाला है। अच्छा, 15 अच्छा। पेंटिंग उसके बाद ये नीचे वाली लाइन रहती है 30 और ये 15 में 12 और 13 33 पेंटिंग और इसमें फिनिशिंग टच भी आना है। हाँ। मतलब आप यहाँ पे गोल्ड का काम भी करेंगे, एक एक खंड अलग होगा, एक खंड अलग होगा और सब मैं लिखूंगा मैं कि इसमें क्या हो रहा है, किसके बारे में। क्योंकि जिसने एकदम कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो वो देख के पढ़ के उसको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है, तो उसकी फ्रेमिंग होगी। फ्रेमिंग सोच रहा हूँ मैं, तब तो सर एक और वीडियो बनाएंगे। हाँ, वही आपको साथ में आना पड़ेगा तो सही ढंग से। तो ये देखो छोटा सा, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है और मुझे तो लगता है भगवान करे आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी उद्देश्य से आप ये काम कर रहे हैं तो वो आपके सारे पूरे हो। उद्देश्य तो कुछ दो तीन है, जैसे आपने चर्चा करी ली। हाँ जी। एक तो मेरे मन में है कि अयोध्या में रामलला के उद्घाटन हो रहा मंदिर का, या तो वहाँ लग जाए, ये तो उसके लिए एकदम सटीक बैठती है। हाँ, अब ये कोई वीडियो देखे वो वहाँ पर मोदी जी तक न्यूज पहुँचाए, बड़े शख्स तक पहुँचे, या फिर मोदी जी की हाउस में लगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, दो मैंने सोच रखा। तो भगवान करे सर आपकी मनोकामना पूरी हो, क्योंकि इतनी मेहनत करी है और जो जिस भी उद्देश्य से बनाई जा रही है वो उद्देश्य के पास पहुँचे तो बहुत अच्छा। और उद्देश्य तो यही है कि जैसे सनातन धर्म का कभी काफी लॉस हो चुका है, काफी हार्म पहुंचाया है लोगों ने। हाँ जी। जैसे अब 1000 साल तक मुगलों ने राज किया है। हाँ जी, हाँ जी। फिर अंग्रेजों ने राज किया है, तो आपको अगर आप पढ़ोगे मुगलों के बारे में तो मदरसे में हिंदू को जाना पड़ता था। हाँ, ये सारे गुरुकुल बंद कर दिए थे। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद मदरसे में जो हिंदू जाएगा वो चोटी नहीं रख सकता, तिलक नहीं लगा सकता, और उर्दू स्टाइल में पढ़ना वो कितना पेनफुल होता होगा। धीरे धीरे हिंदू ही हिंदू को गलत मानने लग गया, हिंदू धर्म को छोटे रखना आज कैसा समझते हैं, तिलक लगाने में शर्म महसूस करते हैं। अंजी, अंजी। तो और फिर रहे थे अंग्रेज। अंजी। तो अंग्रेज ने भी हिंदू को बिल्कुल संस्कारों को खत्म करने में पूरा योगदान दिया, नहीं तो आप सनातन धर्म में आप वो करेंगे, गह में जाएंगे और शक्ति को पहचानेंगे, तो सबसे प्राचीन धर्म नहीं है तो देवताओं द्वारा चलाया हुआ है। ये किसी इंसान ने नहीं चलाया, हजारों करोड़ों वर्ष से बाकी सारे पंथ है। तो ये है कि ये सब आजादी देता है सनातन धर्म, कोई भी धर्म मानो, कुछ भी किसी के साथ सभी धर्म खुले खुले खुले, हमारा सनातन धर्म नहीं करता। तो आज के जो युवा है जाने भगवान के बारे में, राम जी जैसे पेंटिंग भी देखे, मान लो एक माध्यम बने कि राम जी के बारे में जाने। सर आपने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है, है ना, अब एक तो सारी मेन पेंटिंग हुई, आपकी दूसरी पेंटिंग, अगर हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी आपकी ऑडियंस देख रही है, उन्हें पेंटिंग पसंद आती है तो उनके लिए भी कुछ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि अभी तो आपके पास एक ही पीस है, तो क्या कोई आपको अप्रोच कर सकता है इस पेंटिंग की, अगर उसको भी घर के लिए चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो। देखो मैंने ऐसा सेलिंग के पर्पज से तो नहीं बनी है ये, फिर भी अगर ऐसा कुछ रहता है उनके माइंड में या उनके हिसाब से कोई स्केच करके बनवाना चाहता है किसी भी तरह से, जैसे कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ और कैसे उन्होंने क्या क्या काम किए, या फिर शंकर जी का, ब्रह्मा जी का, मैं पूरा सीरीज इनकी कृपा से बनाने का प्रयास करूँगा। जो भी स्टे जैसे खाटू श्याम जी है, बहुत मानते लोग खाटू श्याम जी किस तरह से, तो जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ और अभी तक पूरी जर्नी बना सकता हूँ मैं, जो सामने वाले जैसे चाहता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों मतलब आप देख लीजिए, आप सर नई नई पेंटिंग बनाते रहते हैं और इस बार तो सर ने मतलब अलग ही काम कर दिया सर आपने, सीरियसली मतलब मुझे तो सर बहुत अच्छी लग रही है पेंटिंग, और मेरी मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
कि जिस भी उद्देश्य से आपकी ये पेंटिंग बन रही है वो सारी की सारी पूरी हो सके। थैंक यू सर, आपको भी जय श्री राम। और दर्शकों एक बात कहना चाहता हूँ, ये पेंटिंग तो मैं बना ही रहा हूँ संपूर्ण रामायण एक्सो आर्ट पेंटिंग, और काफ़ी जल्द कोशिश करके रात दिन लगा हुआ हूँ, सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, मेरे को ये पेंटिंग सोने नहीं दे रही, इससे लगन लग चुकी है। 5 बजे उठ के बैठता हूँ, कुछ टाइम 6-7-8 घंटे रेगुलर काम करता हूँ, मतलब फिर उसके बाद थोड़ा गैप रख के फिर वापस काम में लगता हूँ। तो आप लोगों किसी भी तरह से कोई भी साइज की और कोई भी सब्जेक्ट हो, कस्टमाइज पेंटिंग बनवानी हो, या वर्ल्ड में आप कहीं भी रह रहे हो, सब दूर कहीं भी रह रहे हो, आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं और आपके घर सुरक्षित पहुँचेगी, ये मेरी गारंटी है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9313-3322-430। जय हिंद दोस्तों, जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म, जय सनातन, जय सियाराम, जय श्री।